अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। अरे पिताजी क्या हुआ? अरे मैं डाढ़ खड़वा के आ रहा हूँ, तो ये ना पता कि हलवा बलुआ रांध के रखूं। हलवा बलुआ? हाँ। हलवा कैसे बनाऊं? सामान ही नहीं है घर में, ना चीनी ना सूजी। मैं बादल तक इतनी चीनी और घी और डालडा और सूजी सब ला के रखी, कहाँ गई? वो 4 महीने पहले लाए थे आप, अब नहीं लाए? कुछ भी सामान लाते नहीं हो? अरे अभी 4 महीने का, अभी 7-8 दिन ही हुए। साये आपकी दाढ़ में रहते हैं, मैं आपके लिए गर्म पानी लाती हूँ, उसे पीकर सो जाना। अरे पीके मत सो जाना, मैं दाढ़ खड़वा के आ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, दाढ़ खड़वा के आई हो तो आपके पास काम ही क्या है, बहाना लेकर? तुम लोग मतलब मेरा माल को तुम लोग उड़ा रहे हो, खूब दबा के मतलब तुम लोग सेहत बना रहे हो, और मैं जो हूँ चाहे मेरा कछु हो मोए टाइम पर कछु मत दियो, सब चीज ला के रखता हूँ, काजू बादाम छुआरे गोला। बादाम आपके पेट में खा लिए, मैंने नहीं खाए। खूब खाक पी के सब बराबर कर दे, और मैं कुछ भी सही, तुम लोग घर को बेकार कर रहे हो। बेकार कर रहे? हाँ ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, ठीक है? हाँ हाँ कह ले, कह ले अभी तो। अब मैं जा रहा हूँ अपनी छोटी बहू के पास। जाइए जाइए, आपको ना दो ही दिन तो भगा देगी। तो से बढ़िया है कछुपत ले जाओ, जो हो आओ आओ आओ, लो खाना खाओ, नाश्ता करो। तो उसी के पास क्यों नहीं चले जाते, क्यों रहते हो फिर हमारे यहाँ? ठीक है चला जाऊंगा। अब तो आप ध्यान रखियो, खेत खलिहान ट्रैक्टर और जो मेरी शहर में दुकान है सब छोटी के नाम करूंगा। तुम लोग ऐसे ही छोड़ो, ठंडन गोपाल को तुम नाम मेरे मतलब छोटी के नाम, मेरा भी उसमें हिस्सा है, ठीक है? तेरा मैं भी आपके बेटे की बहू हूँ। हाँ बेटे की बहू है, मैं तो बताओ, मेरा कोई ख्याल नहीं जरा, वो न कपड़े धोने हुए ऐसे गंदे कपड़े। आपके पास काम ही क्या है? हमारे पास तो कोई काम नहीं हो सकते हो तुम, खेत के गेहूँ और इतना सारा सामान आता है वो सब कहाँ गया, और पैसे भी आते हैं जमीन के, कहाँ गए वो पैसे? अच्छा आप तो हमें गेहूँ भी नहीं देते हो। अच्छा में खाते हो वो अलग। अच्छा गेहूँ भी नहीं देते, और ये आलू और ये सब पैसे बेच के खा गए हम पल रहे हैं। अरे तो पैसा कहाँ जावे, सब तुम पे ही तो खर्च होवे। अरे वो तो मंडी चला जावे, मंडी बिकेगा ना, का पूरा खेत खा जाओगे तुम लोग, का तुम्हारे लिए मैंने खेती करी है। और किसके लिए होते हैं? अच्छा तो ठीक है, करते हैं अपनी औलाद के लिए करते हैं, बाहर वालों के लिए। पूरा खेत खाओगे? अरे इंसानों का बोयो खेलते हो पैसों का। अरे मैं अपनी छोटी बहू के पास जा रहा हूँ, सब भैया नाम जाइए। किसे सुना रहे हो छोटी बहू? जा रहा हूँ कब से सुना? अरे तो जा रहा हूँ जा रहा हूँ, और सारी जायदाद तो उसी के नाम करूंगा, तुम ले लेंगे जाएगा। आपको नहीं है खाने लग रहा? जा रहा हूँ मैं अपनी छोटी बहू के पास, वहाँ के पास कम से कम ये तो है कि कछु दे मत दे, कम से कम वो इज्जत तो करे। अरे छोटी बहू, अरे छोटी बहू जी। पिताजी देख मेरे, मैं उखड़वा के आया हूँ अपनी डाढ़, सुन रही है? सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ देख बड़ी के पास गया, अभी सारा सामान भरवाया, फिर? हाँ फिर, और ये कह रही पिताजी तुम तो कुछ लाके ही नहीं देते हो, तुम तो कुछ सामान ही नहीं रखवाते हो। मैंने कहा जरा गरम गरम हलवा बना दे या दलिया बना दे। अरे के पिताजी सामान ही नहीं है, बताइए इतना सारा कुछ करता हूँ मैं दोनों घरों के लिए, समझे? मगर वो बिल्कुल एहसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब मैं ये चाह रहा हूँ मुझे हलवा मिल जाए, काजू बादाम वाला ही। तो तुमसे किसने कह दिया दाढ़ उखड़वाने के लिए, कोई कह मरा तुमसे? अरे दाढ़ खराब हो गई, सारे दांत खराब हो जाते, पोपला हो जाता। तो एक ही तो दाढ़ खराब हुई थी, चलने देते, दवाई खाते रहते। अरे ना अब तू भी मतलब गलत बोल रही है। मैं गलत नहीं बोली पिताजी, मैं तो कह रही हूँ दवाई खाते रहते तो सही रहता। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ देख मेरे, अब मुझे तुझे है हलवा बना दे। तो पिताजी एक बात बताओ। हाँ बता। तो बुढ़ापे में दांत और दाढ़ तो उखड़ दी है, मर तो गए नहीं तुम, जिंदे खड़े हो, मर जाओ उस दिन कहना कांधी का पल लेकर। मतलब क्या मरे हुए को हलवा खिलाएगी? अरे तो मरना ही है 4 दिन बाद, ना आज ना कल मरोगे। मर गए तो मरे, तो मरे मेरे दुश्मन। हाँ? मरने की बात कर रही है मेरे? हाँ तो मेरा अभी बिगड़े क्या ना, 16 साल के हो अभी तो। अरे 16 का ना हूँ मगर बुढ़ा थोड़े ही हूँ। फिर क्या जवानी भरी हुई है? अरे जवानी फिर गलत बोल रही है, तुम फिर गलत बोल रही है। देख बहुत बोल रही है, तू जानती नहीं है मुझे, मैं बहुत खतरनाक हूँ बहुत। और ये डंडा दिख रहा है तुझे? हाँ इसे देख ले। क्या करोगे डंडे से? बता दूंगा तुझे। अच्छा हाँ, और जो मैं जो तुम्हें बता। अरे 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 तू तो बहुत बदतमीज रहती जा रही है। हाय हाय बदतमीज तो देखो तुम्हारे अंदर कितनी कूट कूट के भरी हुई है तमीज, पूरे खानदान में।
अब बता दे, हलवा बना दे। तुझे शर्म ना है नेकू, मतलब ससुर की तो इज्जत प्यारी ना है। ससुर का दर्जा तुमने खत्म कर दिया। ना मानेगी, पल्लू ना डालेगी अपने सर पे? अरे डाल ले। अरे मैं ना डाल दूं, ये मेरा फैशन है, मैं ऐसी रहती हूँ, समझ में आ गई ना? और तुम मुझे मत रोको। और हलवा की बात है, जाके अपनी बड़ी बहू यहाँ पूरे महीने का राशन माला के रखते हो और हमें देखो, हम यहाँ भरने चरने अपनी थोंद भरने यहाँ चले आते हो, है ना? और जिस दिन मरोगे भी ना, उस दिन काटी कपड़ हमसे ही लगवाओगे। तो मरो तो कम से कम एक स्थाई तो जाके मरो। अब हाल में ये कह के आ रहा है अपनी छोटी बहू के नाम सब खेत खलिहान करूँ। अब तो मैं फूटी कूड़ी ना देनी, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो पड़ोसी भी खिला देंगे काजू बादाम को हलवा मान हैगा। तो ये बात तो तुम्हें पहले बोली थी कि सारे नाम खेत खलिहान सब कर दूंगा। चलो तहसील मेरे पूरी प्रॉपर्टी में नाम करो और चलो तुम्हें हलवा नहीं बादाम का हलवा बना खिलाऊंगी तुम्हें। वो देखो केले वाला जूस बना के पिलाऊंगी, जाएगी तुम्हारे। ओहो, मतलब अभी तेरे साथ तहसील चलूं जब तू हलवा खवाएगी मुझे? और क्या ऐसा है भैया, मुझे ना खानो हलवा, मैं तो पड़ोसी होंगे उनके नाम कर दूंगा, मैं जा रहा हूँ। तभी तो पड़ोसी कहते घूमते हैं हमारे छाती पे आ जाता है, मैं तो कहते धक्का मार के भगा रहे बुड्ढे। ठीक है, मतलब ना बड़ी अब ना छोटी, क्या करूं फिर मैं जा रहा हूँ। ये बताओ ऐसे क्यों कि किसी ने थपियाई कर दी है? थपियाई ना, डाल में दर्द है, डाल खुड़वा के आ रहा हूँ। अरे बेटा पल्लू डाल ले, बुरी बात है। चुप करो, हमने देखे बड़े बड़े शरमदार, कितनी शरम लटक रही है। अब ज्यादा शरमदार ना करो पिताजी, ज्यादा शरमदार ना बोलो। तू अपने पल्लू की शरम कर, अपनी पल्लू की शरम कर या मत कर, कम से कम टोपी की शरम कर ले, समझे? बेशरम, मुझे सब पता, टूवल पे पड़े रहते हो चमकनी चाची के पास। हाँ, रसगुल्ले लाला के देते हो ना, जलेबियाँ, रस टपका रहता है, मैं झाड़ू लगाने गई थी तब देखा मैंने। अरे देख छोटी बहू, मुझे बदनाम मत कर, कम से कम अपने पल्लू की शर्म नहीं कर रही है तो लग मेरी कम से कम टोपी की शर्म तो कर ले। आज हमारे ससुर एकदम ये समझ ले एक नंबर के पागल इंसान है, है ना? अब तो कछु कह ले, तो डाड़ में दर्द हो रहा है और वैसे लुगाइयों को देख के जवानी भर जाती है। तू न मानेगी, देख मान जा, देख देख मान जा, देख ये देख, तू अपने अब्बा की तोहमत है, मुझे मत लगा, अपने अब्बा के इल्जाम मत लगा मुझे। मेरा बाप ऐसा ना है, समझ में आ गई ना? अरे तेरा बाप खानदान में ना, ये तो तुम्हारे खानदान में होता आया है ऐसा। अरे तेरे अब्बा की मैंने सुनी, बाप दादे हो तुम गुंडा दुनिया भर के छिनरा, मुझे बता पेटी कोटे उठा दे घूमते लुगाइयों के। भैया मैं तेरे गांव गया ना तो तेरे अब्बा की यही शिकायत सुनना जो तू कह रही है। जहाँ चार लुगाई खड़ी ना वहाँ तुम्हारी बुराई स्टार्ट करना कह रहा है। इसी का ससुर है ये, तो मेरी 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 जो सास है उसका ब्लाउज लेके भाग गया, सूंघता है खुशबू है। ये तेरे पिताजी की, जब मैं तेरे गांव गया ना, ये सारी बात है मुझे गांव के लोग तेरे पिताजी की बता रहे हैं। और वो कह रहे अरे चुप तो हो जा, सुन तो ले, वो मालूम है क्या कह रहे? ये कह रहे हमने इसके पिताजी तक कुमारा, मेरे भैया हम समत को हमारा रिश्तेदार है। और ये और कह रहे हैं किसी दिन जूतियाई कर देंगे इसकी। छी छी छी, अपने पिताजी की कह रही है ना, तू ये औरतों पे कम कट पीट है, नंगी पीट है देगी। छी छी, नंगी पीट है। अरे शर्म कर ले, वो शर्म कर ले, शर्म कर ले। शर्म जब तुम्हें ना हो रही तो। अरे मैंने तो कर ली, चुप हो जा, अच्छा चल चुप हो जा। ना मैं सुन, ना मैं तुझसे कह रहा, ना तू मुझसे कुछ कह। मैं हलवा बना रही है ना, मेरे पास ना हलवा बलुआ, तो तू हलवा ना खिलाएगी? मैं ना बना रही हलवा, ना दलिया खिलाएगी? मैंने जब एक ही बार कह दी मैं कुछ ना बना रही, ना बना रही, ना बना रही। तब मैं बड़ी बहू को भी फांसी जा रहा हूँ और बड़ी बहू के सारे सब कुछ नाम करूंगा। अच्छा मैं भी तो देखूं कितने टुकड़े नाम करने वाले हो। सारे खेत खलिहान कर दूंगा, ट्रैक्टर भी कर दूंगा, खेत भी कर दूंगा। नाम कर देना जो जो बगैर बेफजूल की चीजें है उनको भी नाम कर देना, हम देखेंगे हाँ कितने नाम करने वाले हो। कहने में ना ये दो ये मास्क कीजिए, हलाने बहुत आसान है, समझ में आ गई ना बुड्ढे? कलम चलाने में टाइम ना लगेगा तहसील में? तो कलम चलाने में टाइम, कलम जो दो मिनट जो एक सेकंड की कलम की बात कर रहे हैं ना, इसे चलाने में बड़ा सोच और समझ के चलाना पड़ता है। सोच समझ के चलाओ, ऐसे ही ना चलाना पड़ जाए। ठीक है, मैं तो कल तक ये सोच रहा है, मेरी छोटी बहू अच्छी है। मैं भी ये सोच रही हूँ, बड़ी ज्यादा बदतर है। अरे मैं भी सोच रही हूँ, अरे मेरी बड़ी ऐसी ना है, वो कम से कम जाओ ना, कम से कम मुंह सही तो करे, ये तो ना करे। तुम चमकनी चाची के जा रहे हो, ये गांव में झांकते फिर रहे हो, ऐसी बात ना करे। मैंने अश्लीलता, मैंने तुम्हारी औकात खोल के बड़ा बताई है। ये तो तू अपने बाप की औकात बता रही है और अपनी अम्मा की बता रही है। जाओ यहाँ से। और सुनो, मेरे पति से मुझसे कोई मतलब नहीं, समझ में आ गई ना? पति से कैसे मतलब ना? मेरे पति पे
वो मेरा लल्ला है। हाँ तुम्हारा लगता तो है ना तुम्हारा ना? मुझे तो ऐसा कह के वो तुम्हारा है ना? तुम्हारा है? तुम्हारा नहीं है वो। अरे हमारा ना है। चलो निकलो, जा रहा हूँ। सासू माने किसी और से? भैया बहुत ही खराब है ये छोटी वाली तो। वैसे भगवान, अरे इसे सद्बुद्धि दे दे, भगवान सद्बुद्धि दे। आलोक निरंजन शंभु महाराज त्रिपुरारी। राम राम बाबा। पुत्र। हाँ बाबा। तुम्हारे चेहरे से कुछ समस्याएं झलकती हैं, किसी कठिनाइयों में पड़े हो? अरे बाबा कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, आपने सही पढ़ा है बाबा। आबरा का डाबरा, सारे करम ठाबरा। आप बताओ बेटा। अरे बाबा मत पूछो। बोलो बाबा। ये समझ लो यह गांव का मैं प्रधान था। आज से क्या साल पहले हो गए? 5-6 साल पहले। अच्छा। हाँ जब मैं प्रधान था तो ये समझ लो मैंने खूब पैसा कमाया। फिर? पैसा कमाया, नाम कमाया, सब कुछ कमाया, किसी चीज की कमी नहीं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और अब भी कृपा है। दो बेटों की शादी करी। बहुत बढ़िया। मगर बाबा दोनों बेटों की बहुओं में से एक भी खाना नाश्ता कुछ नहीं। मेरा डांड खड़ रही है, कोई सेवा नहीं है। जिस सुख के लिए तुमने शादी की है अपने बेटों की, कि वो तुम्हें चाय नाश्ता रोटी पानी सब खिलाएंगी, आज वो तुम्हें जूते खिलाती हैं बेटे। अरे पलट के भी नहीं देखती है। हाँ हम सब समझ रहे हैं बेटा, ये तो घट घट की बातें हैं। हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं। ओ हाँ, साधु जी सीताराम। बीड़ी? हाँ बोला। बीड़ी पीते हो? नहीं नहीं बाबा, बीड़ी नहीं पीते। ये बताओ के कभी तुमने किसी से मोहब्बत की? बाबा कैसी बातें कर रहे हो? बता दे। ना हमने नहीं करी बाबा। नहीं, तेरी आयु से झलकता है कि तूने मोहब्बत की है। हमारी आयु से झलकता है? हाँ। और क्या कह रहा, तुम्हें कैसे पता? हाँ बाबा। जो व्यक्ति दिन में दो बार काली चांद करता हो, काली मूछ करता हो, दिन में 2-4 बार दाढ़ी बनाता हो अपनी, मान लो कि उस इंसान को किसी से मोहब्बत हुई और वो आगे भी किसी सच्ची मोहब्बत की तलाश में है। बाबा हाँ, मोहब्बत करना क्या पाप है? अरे कभी करी थी, उम्र थी हमारी भी। अच्छा। 20 साल की उम्र थी। अच्छा अब कितने साल के पुत्र? अब तो 40 साल है। अब तो मरगटा पहना देख रहे तुम्हारा। नहीं बाबा। अब ये बताओ कि निवारण कराना है, क्या कराना है? बाबा निवारण नहीं चाहिए, अरे टाइम पे खाना नाश्ता मिलना चाहिए। ठीक है मिलेगा तुम्हें, टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे नाश्ता मिलेगा, टाइम पे बैठा के तुम्हें पूजेंगी। बस तो ऐसा ही कुछ कर दो बाबा। हाँ। तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन उस तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी इस गांव में। उस चमत्कार के लिए कुछ बेटा ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिन चमत्कारों को करने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है। तो बाबा मुंह खोलो तुम। मुंह खोले? हाँ? तो हम मुंह खोलेंगे अपनी कुटिया पे, तुम जब तक वहाँ पहुँचो और हम आते हैं अभी गाँव का भ्रमण करके। ठीक है बाबा। हाँ तो पुत्र पहुँचो। बाबा हमें कुटिया पर ले चलो, यहाँ से कर देंगे हम सेवा तुम्हारी। इसका मतलब तुम्हें पता नहीं कुटिया कहाँ है हमारी? ना हमें नहीं पता बाबा। ठीक है तो पुत्र ऐसा है, अब हम भ्रमण करेंगे बाद में, पहले तुम्हें लेकर के चलते हैं, तुम्हारा निवारण करते हैं कष्ट। चलो बाबा। आ पुत्र। चलो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे वाह क्या बात है बाबा, आश्रम तो बड़ा शानदार बनाया है आपने। शानदार है बेटा, रमता जोगी बहता पानी। ओहो साधु की यही कहानी। ओहो कहने का तात्पर्य ये कि इस आश्रम पर न जाने कितने साधु आए और कितने और आएंगे मुझ जैसे। अच्छा समझे। अच्छा तो इसका मतलब ये आपका नहीं है? नहीं ये पुराने लोगों का है। पुराने लोगों ने बनवा रखा था कि साधु महात्मा जब इस गांव में आवे तो यहाँ पर आकर के भ्रमण करें, आराम करें। तो बाबा हमारी बात सुन लीजिए, हमारा निवारण करिए। ठीक है। और हम भी आपको, आप यकीन मानो, एक आश्रम बहुत बड़ा बना के देंगे। बेटा देख तुम 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते। हाँ नहीं नहीं कर नहीं ना ना मत करे, सब पता है मुझे, समझ गया? नहीं हाँ सब पता है, जवानी की मोहब्बत को अभी तक ललकार रहे हो। हाँ बाबा अभी भी जाता उस बुढ़िया के पास, बता दे। कभी कभी छपा मत। कभी कभी बाबा चलो, तूने रात गुजारी उस बुढ़िया के साथ? गुजारी नहीं बाबा, तुम्हें कैसे पता? बता।
अंतर ज्ञानी और बताओ अंदर की बात। अरे बाबा ना बता दे, बस 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 सब बता दूंगा। अरे तुम अंतर ज्ञानी हो, अंतर ज्ञानी। एक चुटकी मार दी यहीं राख हो जाएगा। अरे बाबा, अरे बाबा ऐसा बस। अब तू अपने कष्टों का निवारण करा ले। देख अब मैं तुझे बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुन पुत्र। देख इसमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हमें यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा समझा। हाँ तो यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ के लिए तकरीबन कम से कम 1,00,000 रुपया हमें देना होगा तुझे। देखो बाबा, 1,00,000 रुपया तो बहुत मांग रहे हो। बात हो गया, बहुत बात हो गया। तेरी काली शक्तियां जो माथे की ये बता रही है रेखाएं कि आने वाले समय में तुझे अगर पानी नसीब हो जाए खुड़खुड़ के मरेगा। अरे बाबा बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा 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 बाबा, अरे जबान को लगाम दो बाबा। हाँ। मेरी तो वैसी क्रिया खराब है। बस तो अगर तुझे चाहता निवारण 1,00,000 रुपए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा हाँ। अब देख मैं तुझे बताऊं कि ये पैसा लेकर के पटरिया बांध के और यहाँ से देख दूरी पर एक पीपल है, उस पीपल पर जाकर रख के आना तुझे रात को सही 12 बजे। 12 बजे और कोई भी तेरे पीछे आवे, पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है। तूने पीछे मुड़ के देखा वहीं तो खत्म हो जाएगा बाबा। तुम रख गया ना है? तुम रख गया ना। अरे जब मुझे निवारण कराना, तुझे कराना है। अच्छा अच्छा अच्छा, निवारण मुझे बता। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। मुड़ के नहीं देखूंगा। नहीं देखना है। रुपए चाहिए? कितने? 1,00,000। 1,00,000। ठीक है। तो मैं क्या करूँ? वहां जाके रख के सीधे अपने घर। अपने घर आ जाऊं और क्या। तो बाबा ये तो बता, बोल वो दोनों भगवान मेरी सेवा करेंगे? सेवा करेंगे साहब, नार मचकाएंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर सभी ने सेवा ना करी तो? हैं? सेवा नहीं करी तो? हैं? देख अगर उन्होंने सेवा नहीं की हैं? तो मैं तुझे इतना वायदा करता हूँ कि उनको कोई ऐसी परेशानी हो जाएगी कि तेरी सेवा करने पर मजबूर होंगी वो। अच्छा हाँ। और 1,00,000 रुपये कहाँ से आएगा फिर? ना जा रहे यहाँ से। अच्छा ठीक है, मार दूंगा। लो बाबा लो। अरे बाबा, अरे क्या है? अरे लो पुस्तक अभी ले लो। अरे अभी ले लो, हाथ में ले लो। हाथ नहीं लगाता हूँ पैसे। अरे लगा लो ना। अरे अच्छा, अब शगुन। अच्छा तो पाप हो जाएगा हाथ लगा। इसमें डाल। लो 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 लो। अब बाकी के मैं पीपल के पेड़ पर रखिया हूँ। एक नोट नीचे करा बड़ा, तेरे पैर के नीचे देख। छपा रहा है 500 रुपए। बाबा तो अंतर ज्ञानी हो रहे। ले इसमें डाल। डाल दिए? डाल दिए बाबा। बस ठीक है, अब ठीक है। अब तू जा। मैं जा रहा हूँ। इधर कहाँ जा रहा है? मेरी कुटिया में। ना ना ना, अपने घर जा रहा हूँ मैं तो। चुप। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। जा। ठीक है ठीक है, मगर बाबा काम हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा। हाँ नहीं ये समझ लो पीले का नीला कर दूंगा। इधर आइयो, इधर आइयो ना, इधर आइयो। बीड़ा मार दिया मुँह, चपटा कर दूंगा मुँह को। बताओ यूँ कह रहा काम हो गया, काम हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ सतचंडी यज्ञ करने। आलोक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज, श्री राम जय राम जय राम। ये बाबा जी कर रहे। हाँ बेटी। बाबा जी मैंने आपको पहचाना नहीं, पहले कभी आपको गांव में नहीं देखा। पहचान नहीं? साधु जी को नहीं पहचानती हूँ। अरे रमता जोगी बहता पानी, साधु आए तो पैरों में पड़ जाओ, दंडवत करो प्रणाम। अब इतने नाराज क्यों हो रहे हो? अब तो मैंने पहचान लिया ना, अब तो आप आते जाते रहोगे। नाराज नहीं हो रहा पुत्री, तेरी शक्ल को देख के, तेरी सूरत को देख करके मुस्कुरा। ये समझ ले तेरा भाग्योदय होने वाला है। भाग्योदय वाला है? हाँ। ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा ये होने वाला है पुत्री कि जो तेरा ससुर है, पिताजी, पिता, वो तो बहुत ही बुरे हैं। बुरे नहीं है, बुरा मत बोलो। पहले तो कान पकड़, माफी मांग जी। हाँ बुरा मत बोल, वो बहुत अच्छा है। ये समझ ले कि पहले उसको बुला कर। बुलाऊंगा? घर पे बुला अपने। अरे वो घर पे ही रहते हैं, आजकल वो घेर पे रह रहे हैं। मत भेज, खीर पूड़ी बना, खीर पूड़ी खिला उसे। गुण तो होने चाहिए उनमें, खीर पूड़ी खाने। अरे गुण है? अरे तेरे घर में पता सोने के कलश गड़े हुए हैं 4। मैं मान ही नहीं सकती के कलश गड़े हुए। मान नहीं सकती? हमारी बात को झुटलाती है पुत्री। झुटलाती है? हाँ चलो होंगे, हमारी बात को झुटलाती है। अरे ठीक है मान लिया। 4 कलश गड़े हुए तेरे घर में। चार कलश? हाँ, और उन सोने के कलशों की जो पता है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे उस बुड्ढे को पता है, घर में जी को पता है। बस फिर तो मैं उनकी खूब सेवा करूँ। सेवा कर, दिन रात कर, और तो और उनको सेवा कर, पूरी भरपूर मन से सेवा कर। बस जो मांगे वो खिला।
ठीक है, और उसके बाद वो तुझे कलशों का पता बता देगा, कलश कहाँ रखे, वहां से कलश खोद के गाड़ के निकाल लियो। बाबा उनको कुछ भी खिला दो, खीर पूरी सारे का सारा खाकर ना गोबर कर देते हैं। गोबर? उनकी भी बुद्धि नहीं है, यानी कि वो ऐसा नहीं मानते कुछ भी किसी बात का। गोबर करता पुत्र, यानी बुद्धि में उनकी भी भूसा भर जाता है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देख हम दे भूज, हम उसका निवारण बताएंगे। क्या निवारण? हमारा आश्रम है तेरे गाँव के बाहर। अच्छा अच्छा। और टोकरी में भर के लियो भांग। भांग? भांग टोकरी भरकर? टोकरी भरकर भांग। और भांग घोटियो सलवट्टे में। नहीं घुटेगी, घोट लूंगी सलवट्टे में, और दूध में मिला के भांग और बुढ़े को पिला दे। फिर तो वो और पागल हो जाएंगे भांग पीकर, बोर आ जाएंगे पूरी पूरी तरह। अच्छा, नहीं बोर आएगा नहीं, फिर उसके दिमाग के नट बोल्ट खोलेंगे। अच्छा अच्छा। नसें खुल जाएंगी उसकी, सारी इंद्रियां अच्छियां चलेंगी उसकी, और उसके बाद उसके हाथ में दे दियो फावड़ा, और जिस जगह वो फावड़ा मारेगा समझ ले उसी जगह कलश खजाना खोद देंगे, वहीं खोदेगा खजाना। सही बता रहा हूं पुत्री? हाँ, मेरी समझ में आया। हाँ तो ऐसे ही करेगी? जी मैं करूंगी जरूर। तो भिक्षा देखी? भिक्षा? हाँ भिक्षा तो उसी दिन मिलेगी जिस दिन खजाना मिलेगा। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब अब नहीं मिलेगी है? अब नहीं मिलेगी। हाँ एक कटोरी आटा ला सकती हूँ मैं? नहीं, एक कटोरी आटा लाती हूँ। बाबा आटा नहीं लेता है? क्या लेते हो फिर? बाबा लेता है दाम, पैसा। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए पैसे लेकर आती हूँ। ले क्या? बड़ा नोट कोई नहीं कहीं। पत्री हम चालू चालू समझ रही है। अरे कहाँ गई? लीजिए बाबा सीधा 20 रुपए दे दिए। मैं बच्चा हूँ, 20 रुपए लेने में क्या बुराई है? बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। चुप, ऐसा मंत्र मार के जाऊंगा भस्म हो जाओगे, पागल बुद्धि हो जाएगी सबकी। पागल बुद्धि हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको ही मारूंगी जब मैं पागल हो जाऊंगी। तो लीजिए पैसे, रख लीजिए। 2105,000 से कम नहीं लेता हूँ। हाँ। जाना लेना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ले गया, जा जल्दी। जाती हूँ। जा। हमको बता इतना दे रही है? कितने? पूरे 2100 रुपए हैं। 21 से ही लेके आइए, 5,000 नहीं लेके आइए। और खजाना जल्दी मिल जाए। ऐसा खजाना आ जाएगा। हाँ बुड्ढे को भांग पिलाओ, और जब भांग पिला दी तो अगर नशा हो गया ज्यादा फिर क्या होगा? एक साल तक वो लेटा रहेगा, उसी में हंगेगा, उसी में मुंह देगा, उसी में सब कुछ। एक साल तक उनकी कौन सेवा करेगा? मैं तो थक जाऊंगी। तुम करोगे? इससे इतना काम नहीं होता। एक साल बाद जब वो उठेगा तो फावड़ा मांगेगा उठते ही। फावड़ा मांगे उठते? हाँ। फिर उस फावड़े का क्या होगा? खजाना खोदेगा तुम्हारा। अच्छा खजाना खोद। खजाना नहीं लेना? हाँ लेना है खजाना। ठीक है तो चलता हूँ मैं फिर। जी गुरुदेव। जी जी। आलाक निरंजन पुत्री महादेव संभत्र प्रारी। जी बाबा हैं जी क्या? हाँ? प्रणाम करो, दंडवत करो, लंबे लंबे लेटो हैं। हैं? हाँ। इतनी मेहनत ना होती है मुझ पे? अरे इसीलिए भारी वजन हो गया पुत्री, हल्का कर ले इसे। क्यों? अरे बैठा ही नहीं जाता तो खाने के लिए दे रहे हो मुझे। अच्छा तुमने कब देख लिया मुझे बैठते हुए? नहीं पुत्री मैं तुझसे कह रहा हूँ ज्यादा वजन सही नहीं रहता है। हमारा तो वजन ज्यादा ही अच्छा लगता है। अब सुन मेरी बात, भिक्षाम देही। अच्छा भिक्षा मांगने आए हो? अच्छा इतने आट्टे गट्टे हो के इससे तो भला क्यों काम कर लो। अरे 300 रुपए रोज ईंट गिलाओ, मिस्त्री की सीख लो, मकान बनाओ, किसी के छत रहने के लिए बनाओ, 750,000-1100,000 रुपए जो वहाँ भी मिल जाएंगे। ये मांगने खाने का काम मतलब दूसरों पे जिंदगी में बोझ ही बने हैं। ये करने से शक्ति नहीं छूटती है, ये करने से सिर्फ यूं आता है। अरे पुत्री तेरा भाग्य दिख रहा है मुझे। अच्छा रुक जाइयो। देख 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 मुस्कुरा गई। ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे मुंह पे सिनेमा हॉल चल रहा है। भाग्य उदय हो गया तेरा। अच्छा? यूं क्या? तेरे घर में जो है कलश गड़े हुए दो, कलश सोने चांदी के भरे हुए। अच्छा हाँ चलो उगाड़ के दो। ए? चलो ना। ए? अरे तुम ही तो कह रहे हो। अरे तेरा उसे हम नहीं उखाड़ सकते। क्यों नहीं उखाड़ सकते? बताया किसने? मैंने बताया। हाँ तो? मुझे शक्तियों के अनुसार मालूम पड़ा। तो शक्तियों के अनुसार ये भी पता होगा घर में कौन सी जगह खड़े हुए। अब जो है अगर इन कलशों को अगर कोई निकाल के दे सकता है तो वो है तुम्हारा बुड्ढा। हैं? बुड्ढा? हाँ। अरे जाओ उस पर कुछ जाओ नहीं, मैं सही कह रहा हूँ पुत्री। अरे उनके बस की बात ना, अगर तुम्हें पता कहाँ रखे तो उखाड़ के दे दो, थोड़ा बहुत सोना उसमें से तुम भी ले जाना। पुत्री वही इंसान देगा तुम्हें निकाल के कलश। वो देगा? हाँ। पूरी जिंदगी इस घर का माल बाहर लुगाइयों को खिलाया है और उनसे मजे लूटे हैं। कोई बात नहीं है क्या? नहीं ये तो मोहब्बत ये वही है ना कि जब कुछ पाओगे तो कुछ देना भी पड़ेगा। नहीं मैं वो कुछ और लेता बदले में माल धन खबर।
पाता है। अरे तो मैं खुल के बोल दूं, मैं शर्माती नहीं हूं। नहीं शर्माती नहीं, हाँ। मुझे बता चतुर स्त्री है। हाँ, मैं बताऊं तुझे, देख ऐसा कलशन तेरे यहां बड़े बड़े, अरे वो गड़े हुए हैं। अच्छा अगर उनकी सेवा तू करेगी, उसको दूध दही मठा रोज और खीर पूरी से सेवा करेगी। देखो मैं तो साफ सीधी एक बात, सौ बातों की एक बात, एक बार में काम खत्म। अर्थी पर लिटाओ और लकड़ियों का कंडा ले जाओ और कांदा दो और अग्नि को आग दो, जय राम जी की। ये तो अभी नहीं, ये भी नहीं होगा, मुझ पे ये आता करना। अरे? मेरा बस की नहीं हो बुड्ढे की सेवा करनी। नहीं लुगाइयों के वो क्या कहते हैं, फिर घर में मैं भैया किससे लड़ती घूमूंगी। छेड़ता फिर सेटिंग है उसकी, अभी तुम्हें पता नहीं है। कितनी? दो तीन तो होंगे, एक की तो मुझे पता है। अच्छा अच्छा, हाँ। देख पुत्री, देख मैं तुझे बताऊं, देख ऐसा है कि देख अब तू जो उतनी सेवा कर ले, अगर तुझे अच्छा, कलश पानी है तो। तुम उनकी इतनी पक्ष क्यों ले रहे हो? पक्ष? ऐसा लग रहा है तुम उन्हीं के खानदान से बिलोंग करते हो क्या? उन्हीं के भैया बंधु तो नहीं हो, रूप धारण करके आ गए देश बदल के? ना बता दो, ऐसा लग रहा है मुझे। हमें क्रोध दिलानी पुत्री, शराब दे दूंगा। किससे काय से दोगे शराब? शराब देने वाले होते ना, उस शराब को थोड़ी अपने ऊपर छिड़क के तुम्हारे भाग्य और कर्म अच्छे होते। अच्छा? जो शराब मेरे ऊपर छिड़कोगे थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लो। अरे चुप, ऐसा चिल्ला मत। ऐसा लग रहा शरीर से और अकल से के लेडीज हो। लेडीज ऐसे भी लगती नहीं है, साधु वाली बातें तुम में। अच्छा और क्या साधु वाली बात है? शकल देख लो, आवाज ही थोड़ी मर्दों वाली ले रखी है। चाल चलन तो सब लेडीज वाले घुसे पड़े हैं। चुप, देखो स्त्री मैं तुम्हें बताऊं, उससे तुम प्राप्त कर लो कलश। अच्छा देख मैं तुझे उपाय बताओ। उपाय? अब आई ना लाइन में? हाँ, अब आई ना? अच्छा बुद्धि ठीक हो तेरी? उंगली मत करो। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। अब सुन मेरी बात, सुन ले। बात ये है कि देख उसे खिला तू भांग, एक डलिया भांग घोट घाट के तो उसे खिलाओ भांग। अच्छा भांग घोट के? सुनो भांग खिला दे ना, वो बूढ़ा बैल बावरा हो जाएगा। बाबा ऐसी बातें कर रहे हो तुम भी? बाबा बूढ़ा बैल बावरा हो जाएगा। और बावरा हो गया तो भैया घर में नहीं समटे पे आएगा वो। ना ना एक काम करो, वो क्या कहते हैं ये खजाना तुम ही ले जाओ और उसे अपने पास ही रखना। तुम भांग धतूरा कुट्टू दारू जितनी ब्रांडेड है वो सब तुम पिला देने रहे। हे पुत्री मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमें जरूरत नहीं, हम तो बैरागी बाबा है, हम तो कुछ समर्पण ईश्वर के। अच्छा अच्छा, तो तुम चाहते क्या हो ये बताओ? चाहते क्या? चाहते क्या है? हाँ। हम चाहते ये हैं पुत्री के 5100 रुपए दो मुद्रा। हाँ। फिर हम मैं सब समेट लूंगा। अच्छा सारी हिंदुस्तान की लुगाइयों का पागलपन मेरे ऊपर ही तो लिखा हुआ है। हाँ। जब तुम्हें मैं दूंगी 2100 रुपए, तुम कहेंगे भगवान उतर के आए हो? क्यों है? हम साधु है। हाँ। काय के साधु हो? ना काय के साधु हो, मांगने खाने के साधु हो? ऐसा टाइम से पहले निकल लो वरना तन पे कपड़ा ना रहेगा। नितंग नंगा करके भेजूंगी यहाँ से। शराब दे दूंगा। अरे मैं कह रही हूँ शराब अपने ऊपर छिड़क लो ताकि तुम्हारे कर्म और वो क्या करे तुम्हारी अकल दोनों सही हो जाए। पहले तो मुद्राएं दे, वैचाम दे। जबरदस्ती क्या ऐसी 376 लगाऊंगी ना, कुछ करा भी ना है और सब कुछ करवा, मतलब इल्जाम लगा दूंगी तुझ पे। बता रही हूँ बड़े बड़े बाबा जेल में सड़ रहे हैं। हाँ बाहर नहीं निकल के आए, चाहे कितना भी कितना भी बड़ा वो बाबा हो कोई। समझ में आ रही ना? तूने अपमान किया हमारा। अपमान? अपमान इसकी कोई खुद की इज्जत ना हो उसका क्या अपमान। अरे किसी मंदिर में बैठो जो दक्षिणा दे जाए वो ठीक है, ऐसे मांग क्यों रहे हो? हाँ फेंको जा लेके। शकल तो देखो लौंडिया जैसी लगती है, तो सके इस पे औरत ही है। राम राम बाबा। श्री राम पुत्र, श्री राम। हाँ बाबा। ये वो वहाँ रखा है तुम पुत्र? बाबा पैसे तो रखे आए हमने। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। 1,00,000? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मगर अभी तक कोई निवारण नहीं है। हैं? निवारण नहीं है? हाँ? हो गया निवारण? जाओ बड़ी बहू के घर जाना। अच्छा हाँ तो बड़ी के घर जाओ। ठीक है बाबा। और फिर उनको आजमाओ। ठीक है। सेवा करेंगी। और छोटी बहू? छोटी छोड़ गया मैं जाना। अच्छा वो मेरी कुछ शक्तियां खा चुकी है। खा गई? मैंने उस पर शक्तियां छोड़ी। अच्छा और वो शक्तियां खा गई मेरी? मतलब निकल गई? मुझ पर कोई शक्तियां रही नहीं। मतलब शक्तियां ही निकल गई? हाँ। खतरनाक है। अब मैं जो है शक्तियां प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ गुरुदेव के पास। अच्छा यहीं पे आएंगे गुरुदेव मेरे? अच्छा हाँ तब देखो पुत्र, तब मैं उसकी अकल ठिकाने करता हूँ। ठीक है। हाँ पुत्र। बाबा छोटी बहू बहुत खतरनाक है हमारी। अच्छा हाँ
बड़ी बड़ी शक्तियां खा गई हूँ। ओ ये समझ लो तुमने भी छोड़ी शक्तियां। हाँ अब आप क्या करेंगे? अरे हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम जंगलों में जाएंगे और जंगलों से कुछ शक्तियां लेकर के आएंगे और उसमें छोड़ेंगे। यहाँ को शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है बाबा। बोलो। ये बताओ वो जो हम 1,00,000 रुपए पीपल के पेड़ पर रख के आए हैं, वो पैसे का क्या होगा? वो पैसे देव ले जाएंगे। देव ले जाएंगे? हाँ। अच्छा तुम्हारे अहूत प्रेत ले जाएंगे। ओ और क्या, ऐसा ना हो कोई और ले जाए। अगर किसी ने उनको उठाने की कोशिश भी की पुत्र, तो खून की उल्टी हो जाएंगे उसे। खून की नाक में से, मुंह में से, कान में से, सब जगह से खून देगा वो। अच्छा हाँ, इसका मतलब बड़ी शक्तियां हैं आपके शक्ति। अरे पुत्र अभी तुम्हें शक्तियों का अंदाजा नहीं है, पागल कर दूंगा तुम्हें अभी। अरे बस बस हाँ तो जाओ। ठीक है मैं बड़ी बहू के पास चलो। ठीक है जा रहा हूँ, जा रहा हूँ बाबा। राम राम बाबा। आयुष्मान बाबा। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ आ गया मैं। मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही थी, और आपके ना आपके रूम में आपका बिस्तर तैयार है और मैं खाना भी तैयार करती हूँ आपके लिए। ओ, खाना भी तैयार कर दिया? हाँ पिताजी। बिस्तर भी आज तैयार कर दिया? हाँ। लगता है आप चले गए थे ना तो घर पूरा घर सूना सूना लग रहा था। काम बन गया? काम बन गया? कुछ ना कुछ ना। हाँ आपका काम बन गया होगा कुछ ना ना। हाँ वो खेत खलियान का काम। चलिए पिताजी आप नाश्ता कर लीजिए और आराम। बिस्तर भी लगा दिया? हाँ पिताजी। खाना भी बना दिया? अरे आप हमारे पिता समान हो, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अरे आज तो बड़ा मीठे मीठे बोल बोले जा रहे हैं। वाह ऐसा परिवर्तन तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो आप चले गए थे ना 2-3 दिनों से, इसीलिए आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी घर में। अच्छा हाँ पिताजी बराबर में खड़े होके सारी खुशबू ले जाओ। बाबा चुड़ैल आ रही थी क्या तुम पे? अच्छा तू सारे भूत खाई तुम ही पे, तुम ही से दोस्ती है सबकी। तू हमारे देवताओं के पैसों को चुरा के ले जा रही है? अरे तुम्हारे देवता नहीं तो कहीं मुझसे कह, आजा बेटा पैसे ले जा। तुम मरेगी? वो तो अच्छा है कि मैं बिटोरे के बराबर कंडे पाथरे आई थी। अच्छा वो अच्छा है, मैंने अपने ससुर को देख लिया वहाँ पे। हाँ। और मैं फिर कंडे वंडे तो छोड़ो। हाँ। मैं उन्हीं को देखने में लग गई। ये मेरे ससुर जी पैसे रख के गए, हमारी जिंदगी भर तक की कमाई पूरी। आता लग कर ऐसा मुक्का मारूंगी सारी बत्ती से बाहर आ जाए। ऐसा मंत्र मारूंगा सारे तांतियोड़े बाहर निकल लेंगे। मार ले तू पहले मंत्र ही मारा। मार छोड़ भूत जिंद जितने भी खाई से तुझे छोड़ मुझ पे। मैं सबसे बड़ी चुड़ैल हूँ, इतना ध्यान रखियो तू। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। चल निकल यहाँ से, निकल ले यहाँ से। हमने 4-5 औरतें छुड़वा दूंगी बगैर कपड़ों के। हाँ निकल निकल यहाँ से अभी की अभी निकल। देख तू बहुत गलत कर रही है। हाँ खून की उल्टी होगी 10 कदम दूरी पे जाके। खून की भी हो चाहे वो क्या कहता, मैं तो कह रही हूँ कि ब्रांडेड की हो किसी की भी हो तू निकल यहाँ से। खून की होगी तो मैं जग वो क्या कहते वो तेरे मुंह पर मार दूंगी उसे। चल निकल। हाँ जा निकल ले जा। चा जा रहा है नहीं जा रहा है, हैं? अब देख तू ऐसा कर, आधे तू मुझे दे दे, आधे तू ले ले, मैं देवता को दे दूंगा जब तक। कौन सा देवता? देवता पीपल वाले। तूने मेरे ससुर को बेवकूफ बना के सारे पैसे हड़प लिए है ना। तेरे ससुर को तू लेके भग जाता अभी। वो तो आज बेटे तेरे जैसे मुर्गे ना मैं रोज चुगाती हूँ। हाँ तेरे जैसे मुर्गों से पाला पड़ता है मुझे। तेरे ससुर में पीपल वाला भूत है। तेरे जैसे कबूतर मैंने ना जाने कितने उड़ा के छोड़ दिए और अभी तो पेंडिंग में पड़े हैं। हमें हाथ लगा रही है? हाथ लगा के तू कही ऐसे वो 16 साल का लौंडा रहा जो जिसम रू जाग जाएगी तेरी। चल निकल यहाँ से, चल जाए यहाँ से। है पुत्री बहुत गलत कर रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे। 4-5 औरतें बगैर कपड़ों के बता ना निकलना ना यहाँ से। गुंडा कहीं का गुर्दे। दीदी दीदी अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो रहा है घर में? अरे वो ससुर जी अंदर है ना, उनकी 2-3 दिन से बहुत सेवा कर रही हूँ और मैं भीतर बिस्तर। हाँ, सेवा ही करती रहो, कुछ नहीं है ऐसा। वो तो ये समझ लो घर को बर्बाद करने पे तुले हुए। एक बाबा जी आए थे, वो कह रहे थे कि अपने ससुर की सेवा करना और घर में ना 2 कलशे सोने चांदी भरे हुए। हाँ। वो तो बताए ना तुमने।
अरे मैं खुदवाते क्या, वो कह रहे थे वो अपने ससुर की सेवा करना, फिर भांग पिला देना, वो बता देंगे कुछ ना है। वो बाबा ने मैंने लतेड़ मार के भगाया यहां से। हां और ये देखो पैसे, सारे पैसे इकट्ठे करके वो पीपर के नीचे रखे हैं ससुर जी। वो जो बाबा बेवकूफ बना रहा था इनको, पिताजी को। और क्या अच्छा हुआ तो पैसे ले आई वो, तो अच्छा है। मैं कंडा पासने गई थी, वो बुड्ढा है वो, मतलब ससुर जी कहां है? पिताजी भीतर हूं, बुलाना जा रहा हूं मैं, इतने दिनों से सेवा कर रही हूँ। पिताजी, पिताजी हलवा मजा मजा कर खिला रही हूँ रोज। और क्या, आइए पिताजी। मैं ये कह रही हूँ पीपल के नीचे पैसे रख के आए थे। आया तो हाँ। है? हाँ। सही बता रहे हो ना? हाँ। ठीक है, और ये रहे वो पैसे, यही तो रख के आए थे। अरे पीपल के, अरे पाप लगेगा वही रखिए। पाप वाप कुछ ना लगेगा, वो क्या कहते हैं वो क्या नाम है, वो बाबा ठग रहा था तुम्हें, बेवकूफ बना रहा था। वो सारे पैसे लेके खुद भाग गया था। वो तो अच्छा है, मैं कंडे पादने गई वहां पे, वो तो अच्छा है मुझे। मैं साइड से देखने लगी सारा नजारा, मेरे की अच्छा, मैं कंडे वंडे छोड़ के मैं वहीं गई सीधी। वैसे बाबा तो काबिल है। काबिल कुछ ना है, वो कह रहा है छोटी बहू बड़ी बहू तुम्हारी बहुत खातिर करेगी, और वो तो मेरे कुछ ना है ना, उल्लू बना गया वो, और कहीं कल से वल से ना रखे। मुझसे भी कह रहा था, मैंने कही तू निकाल के दे दिला, एक कल से चल मैं तुझे दे दूंगी। कह रहा था कि घर में खजाना रखा है और तुम अपने ससुर की सेवा करो। ऐसे ही घरों में खजाने निकलते रहे ना, तो फिर काम करने की जरूरत ना है किसी को, समझ में आ गई ना? सही कह रहा है। जब दीदी मैंने उससे कही ना, मैंने की नंगी और छुड़वाऊंगी बगैर कपड़ों के, तो ये समझ लो भक्त नजर आया। मुझसे कह रहा था कि अपने ससुर जी की सेवा करना, और तुम्हारे घड़े रखे दो सोने चांदी के भरे हुए, तुमको खोद कर दे देंगे। लगता है पिताजी ने कुछ खाओ उस बाबा ऐसा। ना, 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 ऐसा नहीं था, मुझसे ये कह रहा था इन्होंने ही कुछ खा होगा, यही असली जड़। हाँ मैंने ही कही कि मुझे दोनों बहू परेशान कर रही है, उनका निवारण निकाल दो। अरे तो नाश्ता ना दे रही, ना ये खाना दे रही, तो क्या करता फिर? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं दीदी। अब 15 दिन ये मेरे पास रहेंगे, और 15 दिन तुम अपने पास, सुना ये पैसे हम आधे आधे कर ले रहे हैं। हाँ कर ले, कर ले, ये कर ले, कर ले। और किसी बाबाओं की भाई बाबा नहीं गई मुझसे, पीपल पे रखिया ना घर में, कभी ये समझ लो 10 रुपए की चाय की पत्ती तक तो ला के नहीं रखते हो तुम है। और ये और क्या, 1-1 लाख रुपए पीपल के नीचे रख रहे हो? कम से कम सगल अच्छे, कर्म तो अच्छे होने, कर्म अच्छे नहीं बात, काम तो अच्छे कर लिया करो। ठीक सही कह रही है, ठीक है अब गलती हो गई, अब ना करो। 1 लाख रुपए आपने 56 रुपए तो रख दिया, मैं सामान भी ला सकते हैं। गलती हो गई, गलती हो गई भैया, क्षमा कर दीजिए। था मैं इनमें से आधे करके तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, इनको 15 दिन अभी तो इन्हीं के आ रहो। ठीक है ठीक है। हाँ आप मेरी तरफ रहिए पिताजी, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत, और ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ने की। 15 दिन बाद आ जाना मेरे पास ही। ठीक है ठीक है ठीक है। और हरकतें अपनी थोड़ी अच्छी करो। देख 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 देख, बदनामी मत कर। ठीक है दीदी, ले जाओ इन्हें अंदर, जाओ। आइए पिताजी। और मैं तो तुमसे बस एक ही बात कहूंगी, बुढ़िया के पास मत जाओ। अरे नमाने। हाँ।